This channel is completely dedicated to the mechanical engineering. Please like and subscribe. फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो लड़के आईईएस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बेसिक का नॉलेज होना काफी जरूरी होता है। गेट के लिए इतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आईईएस के लिए काफी जरूरी होता है। तो आपके सामने इस वक्त जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बेसिक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो टॉपिक है एयर, क्योंकि एयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स समझ लो, पावर प्लांट समझ लो या आरएसी समझ लो, सब जगह इसका यूज होता है। तो जो एयर होती है वो हम मिक्सचर मानते हैं हमेशा दो चीजों का, किसका? ड्राई एयर प्लस वाटर का। और वाटर भी किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो अब आगे हम पढ़ें, उससे पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हम ये जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, जबकि जो एयर होता है उसमें क्या होती है? वाटर वेपर होती है। जबकि एयर का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम। लेकिन वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में होता है, तो फिर इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वही 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, हम जानते हैं। तो फिर इतने कम टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे, ये क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन की हम यहां से स्टार्टिंग ले रहे हैं कि वो कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लॉ ऑफ डाल्टन की। डाल्टन का लॉ की हमें जरूरत पड़ेगी। डाल्टन का लॉ क्या था? डाल्टन का लॉ था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है तो हम ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, क्योंकि जो पी टोटल होता है वो क्या होता है? पी आपका जो ड्राई एयर होता है उसका प्लस वाटर है उसका, दोनों का जुड़कर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये जो है ये ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर है, ये वाटर का पार्शियल प्रेशर है, और दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? आपका पी टोटल बनाते हैं, टोटल प्रेशर बनाते हैं। तो ये तो आपका टोटल प्रेशर हो गया। अब डाल्टन ने क्या कहा था कि जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं, कि जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका उतना ही पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखिए, जो वाटर है वो हम जानते हैं, आप ये तो जानते होंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नहीं जानते हो तो ये मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन जो है वो जिसके जितने ज्यादा मोल उसकी उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन है वो मोल होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? उसके मास के होता है। तो हम जानते हैं कि एयर में पानी बहुत कम होता है, तो मतलब उसका पार्शियल प्रेशर जो है वाटर का बहुत कम होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये टोटल 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका बहुत कम पार्ट जो प्रेशर है वो वाटर का है। उसके बाद फिर ये इतने पे वेपर में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो आप देख लीजिए, जो टीएस डायग्राम होता है वो क्या बताता है आपको? टीएस डायग्राम कहता है इस तरह का होता है, लगभग इस तरह का होता है, मैं कंप्लीटली इस तरह का नहीं कहता हूं क्योंकि ये प्रोपोर्शनल जो दिखा रखा है ये गलत होता है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते हैं ये दोनों,
ये जो है ये इसका टेम्परेचर है जिस पर ये वाटर से पेपर में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये 1 एटमॉस्फेयर है, पानी का बनाया है ये, पानी जो है इस पर वो कन्वर्ट होता है। अब इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से जो है बहुत कम है, बहुत कम है तो प्रेशर है वो नीचे आएगा, तो ये प्रेशर बहुत कम हो गया PW, तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। अब ये 25 डिग्री से लेकर या इससे भी बहुत कम होगा, 25 डिग्री तो है वो लगभग कहाँ आ जाएगा, अपना यहाँ आ जाएगा। तो मतलब 25 डिग्री पे किस फॉर्म में मिलेगा आपको, वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो एयर है उसका रोल क्या है, खासकर RAC के अंदर, खासकर RAC के अंदर, क्योंकि RAC के अंदर जो है वो हम जब जैसे ही आपके साइक्रोमेट्री पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा रोल आता है इस चीज का। तो इस चीज से मिले जुले आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत सारे टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू में करेंगे। बस आपको ये पता लग गया होगा कि 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये वेपर फॉर्म में क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि डाल्टन का जो लॉ है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप IES की स्टडी करते हैं तो ऐसे ही हमारे जो टॉपिक है वो आपके लिए आते रहेंगे। नमस्कार।